तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से छोड़ा था और आपके मन में भी सवाल हुआ कि ये आखिर ये इंसान जो दौड़ते हुआ आ रहा है ये है कौन। ये जो इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है ये है लैंडर। इसने हमको 1 लाख का लोन दिया है। ये लोन है 5% पे और 1 लाख इसकी रीपेमेंट प्लस 5% इसका इंटरेस्ट यानी कि 50,000। ये पूरी पेमेंट इसको 1 साल के हमको करनी है 1,50,000। ठीक है, पेमेंट करनी है। जैसे ही ये आया, भागता हुआ आ रहा था, जल्दी में था, हमने फटाफट से अपनी तिजोरी खोली और तिजोरी में देखा क्या कैश है। ये देखो मैं देख रहा हूँ कैश है या नहीं, तो कैश मिल गया। तिजोरी में से निकाला कैश, बोरी में भरा 1.5 लाख रुपए और इसको दे दिया हमने 1.5 लाख रुपए कैश। और अब ये 1.5 लाख रुपए लेके जा रहा है वापस, जैसे आया था भागता भागता वैसे ही जा रहा है। लेकिन जाता हुआ ये कुछ ज्यादा खुश लग रहा है और इसके हाथ में पैसे से भरा हुआ कट्टा भी है, इसके अंदर 1.5 लाख है, ये बहुत खुश है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लैंडर है, आया, पेमेंट कर दी। लैंडर के जाने का इंतजार भी नहीं करा कि अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी। एंट्री क्या कर दी? लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन एक लायबिलिटी है, उसको डेबिट करा। 10 लाख का लोन था, उसमें से 1 लाख रिपेमेंट कर दिया। लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट जो है ये एक एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट अकाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जब ये इंटरेस्ट हम टैक्स के अंदर एक्सपेंस मानने जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब ये इंटरेस्ट हम टैक्स के अंदर एक्सपेंस मानने जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई सेक्शन पंगा डालेगा। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 है शायद, जो भी सबसेक्शन है वो कहता है कि ये 50,000 मैं आपको एक्सपेंस मानने नहीं दूंगा। उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है अगर आपने 10,000 से ज्यादा की पेमेंट एक दिन के अंदर कैश में कर दी तो वो एक्सपेंस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। यहाँ पे तो हमने 1.5 लाख की पेमेंट करी है लेकिन एक्सपेंस 50,000 के हैं, क्योंकि 1 लाख तो रीपेमेंट ऑफ लोन है। लेकिन 50,000 का जो इंटरेस्ट है ये 10,000 की लिमिट को क्रॉस कर गया और कैश में पे करी है तो ये एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे। तो टैक्स कह देगा कि हम इसको कर देंगे डिसअलाउ। डिसअलाउ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने नहीं देंगे। डिसअलाउ होने के बाद तो हम चेक करते हैं इसमें आगे क्या हुआ। जैसे ही डिसअलाउ हुआ, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम के अंदर हमने 50,000 के इंटरेस्ट 50,000 का इंटरेस्ट डेबिट करा होगा तो इनकम 50,000 से कम आ रही होगी और टैक्स के अंदर इनकम 50,000 से ज्यादा आ रही होगी क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ। तो जैसे ही हमारे डिफरेंस आया तो AS22 फंक्शन के अंदर आ गया। ऐसे ही जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करते हैं, हमने कहा डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ गया 50,000 क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ है वो अलग बात है, हम बस इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 50,000 और इसके ऊपर टैक्स रेट मैंने निकाला 30% के हिसाब से 15,000। ये डिफरेंस जो आया है 50,000 का और इसके ऊपर जो टैक्स है 15,000, अब इसको डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करें या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करें, ये क्वेश्चन है। आप सोच लीजिए, वीडियो पॉज करके, मैं भी सोचता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट के प्रोविजन अप्लाई करता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या ये कोई एसेट है जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंस तो आज हो जाता था अकाउंट्स के अंदर, लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता। लेकिन ये जो हमारा इंटरेस्ट डिसअलाउ हुआ है 50,000 का, ये तो हमको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि आज तो डिसअलाउ हुआ और लेकिन फ्यूचर में क्या इसका कोई चांस है कि अलाउ होगा? फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन ने साफ कह दिया कि हम इसको डेबिट में करने नहीं देंगे। तो आज भी नहीं और आगे भी नहीं। इसका मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट तो ये है नहीं, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट हमको मिल नहीं रहा। ऐसे अगर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करें, अगर हम इस पे को ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के प्रोविजंस लगाते हैं तो मैं क्या चेक करता हूँ, क्या इसकी वजह से मेरा फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, क्या इसकी वजह से मेरे को कुछ ज्यादा खर्चा हो जाएगा? इसके ऊपर हमको कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका टैक्स बेनिफिट अभी तक लिया ही नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या होता था कि हम टैक्स बेनिफिट आज ले लिया करते थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस फ्यूचर में करते थे। मैचिंग रेवेन्यू अप्लाई करने के लिए हम डेफर्ड टैक्स एसेट का इस्तेमाल करते थे। AS22 का कॉन्सेप्ट ही सारा मैचिंग रेवेन्यू पे है। अब लेकिन ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर 15,000 का जो ये डेफर्ड टैक्स बन रहा है, क्या ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये हमारा डाउट है।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के प्रोविजंस भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे और डेफर्ड टैक्स एसेट के प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं हो रहे, ये कैसे दुविधा है। लास्ट क्लास में हमने डेफर्ड टैक्स एसेट का भी एग्जांपल करा था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी एग्जांपल करा था, और वो दोनों अच्छे से हमारे हो गए थे। लेकिन ये क्या सीन है जो हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन को एएस ने नाम दिया है परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस, डिफरेंस दो तरीके एएस ने बोले हैं, दो तरीके के डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। परमानेंट डिफरेंस के लिए एएस ने कहा परमानेंट डिफरेंस वो होते हैं कि आज ओरिजिनेट तो हो गए लेकिन फ्यूचर में उनके रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि यही हमारा एग्जांपल है 15,000 का, आज ओरिजिनेट हुआ 50,000 और इसका फ्यूचर में रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाया करते थे। इसलिए यह है परमानेंट डिफरेंस। और जो अभी तक हमने पढ़ा वो था टाइमिंग डिफरेंस, उसके अंदर एएस कह रहा था जो आज ओरिजिनेट हुए लेकिन आने वाले टाइम में रिवर्स हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स हो जाएंगे तो इसके लिए उसका मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई करा था डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन एएस ने उसके बाद कहा कि परमानेंट डिफरेंस जो होता है उससे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनेट नहीं होती, और टाइमिंग डिफरेंस के लिए कहता है टाइमिंग डिफरेंस आर द डिफरेंस विच रिजल्ट इन ओरिजिनेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी कि टाइमिंग डिफरेंस जो है उससे तो परमानेंट डिफरेंस, उस टाइमिंग डिफरेंस जो है उससे तो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनेट होगी, लेकिन जो परमानेंट डिफरेंस है उससे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं होती थी। तो एएस ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है ये हम देख लेते हैं। टिप्पणी मतलब एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एएस की फॉर्मल लैंग्वेज है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पे अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, अब आप घर जाके आईसीआई की बुक देखेंगे और आईसीआई की बुक के अंदर सेम टू सेम लिखा हुआ तो आप कहेंगे सर ने तो कॉपी पेस्ट करवा दिया। आप ऐसा सोचें, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले के एग्जाम में आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉर्मल लैंग्वेज लिख के आएंगे। इसलिए ना मैं और ना आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जो यहाँ पे लिखा है वही आपको एग्जाम्स के अंदर लिख के आना है, अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो। वैसे तो इसके में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एएस ने इसके ऊपर क्या कहा। सबसे पहले लिख देता हूँ कि एएस ने क्या कहा। एएस ने परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस की डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन ये रही परमानेंट डिफरेंस एंड टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस पे कहता है परमानेंट डिफरेंस आर द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर ए पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली। बहुत आसान डेफिनेशन है, पढ़ के ही पता चल रहा है, इसको तो ट्रांसलेट करके समझाने की भी जरूरत नहीं है। परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंस होते हैं जो आज ओरिजिनेट होते हैं और फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली रिवर्स नहीं होते। ऐसे ही टाइमिंग डिफरेंस की एएस ने डेफिनेशन दी है। टाइमिंग डिफरेंस आर द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर ए पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स। टाइमिंग डिफरेंस के बारे में कहता है, टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस है जो आज ओरिजिनेट हो गया और फ्यूचर में रिवर्सल के कैपेबल है। कि ये वाला एग्जांपल तो हमारा यहीं पे फिनिश हो गया, अब इस एग्जांपल में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफर्ड टैक्स ना एसेट बनेगा ना लायबिलिटी बनेगी, इससे कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे छोड़ देना है। ये एग्जांपल बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब चलते हैं अपने वापस कॉन्सेप्ट पे, जिसमें एएस ने टाइमिंग डिफरेंस की डेफिनेशन में लिखा है कैपेबल ऑफ वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड, यानी कि श्योरिटी नहीं कह रहा है कि कैपेबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था डेप्रिसिएशन के अंदर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत था क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन के अंदर आपको वैसे ही करना है और जो मैक्सिमम टीचर है मार्केट के अंदर वो भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं रट्टा कॉन्सेप्ट। वो मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए एटलीस्ट। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो उसको ठीक करने का टाइम भी आ गया है। डेफिनेशन लिखने के बाद एएस ने बताया कि आप रिकॉग्निशन कैसे करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट का और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। मेनली तो एएस ने सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट की बात करी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं करी। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने भी बचपन से पढ़ा है, आपने भी मैंने भी सबने बचपन से पढ़ा है। बचपन से मतलब जब आप छोटे थे तब नहीं, जब आपने अकाउंट स्टार्ट करी थी तब से, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि
प्रोविजन सेट करना पड़ता है जो कि होता है प्रूडेंस के हिसाब से, यदि कि आपको प्रूडेंस अप्लाई करना होता है। प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस कहता है कि लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो एसेट का अमाउंट है वो जितना है उतना ही होना चाहिए, भले ही उससे कम हो जाए उससे ज्यादा ना हो। जब भी आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़वाऊंगा, तो एस बार बार कहेगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट, तो आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों नहीं। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया डेप्रिसिएशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉग्निशन, उसमें तो एएस ने कहते हैं कि प्रूडेंस के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ी तो लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट एएस ने लिख के दिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और एक बात और बता दूं, जो मैंने आपको रिवर्सल बताया था, रिवर्सल वही कॉन्सेप्ट है जो मैं कह रहा था, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं उसको रट्टा कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, लेकिन आप रटना नहीं। जो मैंने आपको रिवर्सल बताया था, जैसे डेप्रिसिएशन थी 120,000 को मैंने 4 से डिवाइड करके 30,000 यानी कि 4 से हर ईयर 30,000 रिवर्स करवाया था, वो एक्चुअल में वैसे नहीं होता। क्वेश्चन आप करेंगे वो ऐसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हमारे इंटर के अंदर वही है कि आप 4 से डिवाइड करके निकाल दो, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डेफर्ड टैक्स आपने रिकॉग्नाइज कर लिया 120,000, अब जब ईयर 1 पे आएंगे तो आप डेफर्ड टैक्स को दोबारा रीअसेस करेंगे। रीअसेस करेंगे क्या मतलब, जैसे पिछले साल 120,000 आपने 120,000 रिकॉग्नाइज करा था, ठीक है, तो अब आप देखें क्या वो अभी भी 120,000 का है। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो या तो कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा। ज्यादा चांसेस होता है कि कम हुआ हो, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ होगा तो इसका मतलब दूसरा ओरिजिनल हुआ है, और कम हुआ है इसका मतलब वो पहले वाला रिवर्स हुआ है। तो रीअसेस करो, और जितना भी रीअसेस करने के बाद कम हुआ है उसको रिवर्स कर दो। आप ये सोच रहे होंगे कि गलत क्यों बताया, वो तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उस टाइम पे बताना जरूरी था, उस टाइम पे ये बताता तो समझ नहीं आता। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रही है बात कि हर साल इक्वल रिवर्स हो ये जरूरी नहीं। तो इसके लिए एस क्या लिख के देता है, ये हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट जितना सिंपल मैंने आपको बताया इतना सिंपल है, एस लिख के देता है। एस लिखता है व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कहता है टाइमिंग डिफरेंस का टैक्स इफेक्ट जब रिकॉग्नाइज करेंगे, द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, प्रूडेंस को इग्नोर नहीं करना, वो तो वैसे भी नहीं करता, लेकिन आपने लिख के दिया तो आप और ज्यादा ध्यान रखेंगे। देयरफॉर डेफर्ड टैक्स एसेट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड क्वालिफाइड, देखो यहाँ पे सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट की बात लिखी है, deferred tax assets are recognized and carry forward only to the extent that there is reasonable certainty of their realization. क्या वर्ड लिखा है, reasonable certainty of their realization. reasonable certainty क्या होती है, ये AS ने अलग से बताया है। ये AS ने जो हमें बताया reasonable certainty का वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको पूरा करते हैं। This reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past record of the enterprise and by making the realistic estimate of the profit for the future, where an enterprise कहता है reasonable level of certainty, past record को आप analyze करके past record के अंदर आपको जो भी हो उसके हिसाब से आप reasonable certainty का अनुमान लगा सकते हैं। हमने कहा ठीक है। Where an enterprise has unabsorbed depreciation carried forward under tax laws, deferred tax asset should be recognized only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence. ये फिर से सिर्फ deferred tax asset की बात कर रहा है, और एक नया keyword virtual certainty supported by convincing evidence. Virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realized. अगर हम वर्चुअल सर्टेनिटी की डेफिनेशन ना भी देखें तो भी हमको ये पता चल रहा है इसको पढ़ के कि क्या क्या टैक्सेबल इनकम के बारे में वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम फ्यूचर के अंदर अगर होगी तभी आप डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन वर्चुअल सर्टेनिटी को हम छोड़ नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कीवर्ड आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये लिख के आना पड़ेगा अगर थ्योरी क्वेश्चन आया। चलते हैं आगे। आगे कहाँ जा रहे हैं हम, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, ये चेक करने के क्या होता है, इसी के नीचे आप नोट करना। एस ने वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस के ऊपर एक अच्छा खासा पैरा लिख के दिया है,
और ये पहला आपको पूरा अगर पोर्शन सर्टेनिटी का क्वेश्चन आया तो पूरा का पूरा एग्जाम्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन चाहे 2 नंबर का है या चाहे 5 नंबर का है, आपको लिखना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वर्चुअल सर्टेनिटी क्या होता है देख लेते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी दैट सफिशियंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। कहता है ये जो भी हमने कीवर्ड पढ़ा है नंबर्स ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी दैट सफिशियंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, जजमेंट का मैटर है। एंड विल हैव टू बी इवेल्युएटेड ऑन केस टू केस बेसिस। और कहता है कि अलग अलग सबको एक साथ नहीं कर देना, जैसे डेप्रिसिएशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक साथ आ जाएंगे तो दोनों को एक साथ नहीं कर देना कि आपने क्या करा इनकम का एस्टिमेट निकाला मैटर ऑफ जजमेंट के हिसाब से इनकम का एस्टिमेट लगाया और दोनों ही रिकॉर्ड कर दिया। अब हो सकता है कि फ्यूचर में आपका प्लान है डेप्रिसिएशन वाला जो एसेट है उसको सेल करने का, तो आपने जो डेप्रिसिएशन लिया वो आपको रिवर्स करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए इसने साफ साफ लिख के देता है कि आप सिर्फ केस टू केस बेसिस के ऊपर ही उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप हर चीज को केस टू केस बेसिस के ऊपर एनालाइज करेंगे। आगे चलते हैं। वर्चुअल सर्टेनिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेनिटी विच फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कैन बी कंसीडर्ड सर्टेन। कहता है वर्चुअल सर्टेनिटी वो सर्टेनिटी है जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सर्टेन है, यानी कि अगर प्रैक्टिकली देखें तो 100% श्योर होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में 100% कोई श्योर नहीं हो सकता, इसलिए वर्चुअल सर्टेनिटी का कीवर्ड इसलिए यूज करा है। आगे चलते हैं, कन्विंसिंग एविडेंस के बारे में भी आगे बताएगा। वर्चुअल सर्टेनिटी कैन नॉट बी बेस्ड मेयरली ऑन फोरकास्ट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज बिजनेस प्लान्स। कहता है बिजनेस प्लान्स में जो आपने फोरकास्ट करा वो वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं हो सकती, ठीक है, वो तो एक्चुअल में होती भी नहीं, वो तो हम बजट, ये बजट को कह रहा है कि आपने बजट प्लान करा है वो उसको वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, वर्चुअल सर्टेनिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ फोरकास्ट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज बिजनेस प्लान, ये तो मैंने बता दिया। वर्चुअल सर्टेनिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ परसेप्शन एंड शुड बी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। तो कहता है कन्विंसिंग एविडेंस सपोर्ट होना चाहिए, ये वन दूसरा अलग की वर्ड कन्विंसिंग एविडेंस। अब कन्विंसिंग एविडेंस क्या होता है बताएगा। एविडेंस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पहले इसने एविडेंस को क्लियर कर दिया कि एविडेंस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, के फैक्ट होना चाहिए, परसेप्शन नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। टू बी कन्विंसिंग द एविडेंस शुड बी अवेलेबल एट द रिपोर्टिंग डेट इन अ कंप्लीट फॉर्म। कहता है कि कन्विंसिंग होने के लिए एविडेंस तो एक फैक्ट की बात है, अगर आपके पास फैक्ट है लेकिन वो बैलेंस शीट डेट के ऊपर मौजूद नहीं है, फैक्ट तो है लेकिन बैलेंस शीट डेट के ऊपर मौजूद नहीं है, तो हम उसको कन्विंसिंग एविडेंस नहीं कहेंगे, और इस चीज की वजह से हमारा जो रिकॉग्निशन है वो वहीं पर रुक जाएगा, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। यानी मैटर एविडेंस होने के साथ साथ एविडेंस का कन्विंसिंग होना भी बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे उसको कहता है फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि यही एक एग्जाम्पल है जो आपको पेपर में कंफ्यूज करेगा। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। अ प्रॉफिटेबल बाइंडिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिलेशन ऑफ विच विल रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ हैव डैमेज ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी। आगे कहता है ऑन द अदर हैंड, ये ऑन द अदर हैंड जो है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले पढ़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, और अपनी कॉपी के अंदर मार्क करके रखना। अ प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मेड बाय एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा सबमिटेड इवन टू एन आउटसाइड एजेंसी फॉर एग्जाम्पल टू ए क्रेडिट एजेंसी फॉर ऑब्टेनिंग द लोन्स एंड एक्सेप्टेड बाय दैट एजेंसी कैन नॉट बी इन आइसोलेशन बी कंसिडर्ड एज कन्विंसिंग एविडेंस। कहते हैं कि अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई करा, कुछ उसके लिए प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स बनाई, उस प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स को आपने बैंक को सबमिट कर दिया और बैंक ने उसको सच मान के, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, सच मान के आपको लोन दे दिया, तो भी आप उसको कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? एएस ने ये नहीं बताया, सिर्फ लिख के दे दिया कि आप उसको नहीं मान सकते। एग्जाम्पल भी एएस का है, ये एग्जाम्पल बाहर का एग्जाम्पल नहीं है, एएस के अंदर ही इनबिल्ड एग्जाम्पल है, तो ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से उसको आप कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मान सकते। इन आइसोलेशन में लिखा है कि अकेला वही हो तो नहीं मान सकते, उसके बाद कुछ और मैटर ऑफ फैक्ट आ जाए जो कि कंक्रीट फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो तो आप उसको मान लेना कन्विंसिंग एविडेंस। एंड इन आइसोलेशन जो इसने यहाँ पे लिखा है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से इसके अंदर एक एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है कि आप इसको कब मानेंगे।
तो ये आपको मैंने बता दिया परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस एंड वर्चुअल सर्टेनिटी, रिकॉग्निशन भी पता चल गया आपको। अब जो भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसके लिए एएस ने क्या बोला है अपनी फॉर्मल लैंग्वेज को मैंने आपको बता दिया है, आपको लिखवा दिया है। नहीं लिखा है तो वीडियो पैक करके लिख लीजिए, और ये वाला नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, लेकिन आपको इसको लिखना है और इसको याद भी करना है एज इट इज बिना चेंज करे। अब चलते हैं आगे, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की तरफ क्यों, एएस 90% से ज्यादा कवर हो चुका है, फॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको लिखवा दी है जो अभी तक पढ़ाया है, और आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसके साथ के साथ लिखवा दीजिएगा। पहले इसलिए नहीं लिखवाई थी क्योंकि उस टाइम पे लेवल कम था, इस टाइम पे आप एएस को अच्छे तरीके से जानते हैं, एएस को अच्छे तरीके से समझते हैं। अब जो मैं फॉर्मल लैंग्वेज लिखवाऊंगा या मैंने जो लिखवाई है वो आपको समझ में आ रही होगी, और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। क्वेश्चन के बारे में बता दूं, क्वेश्चन जो मैं भी करवाऊंगा यहाँ पे सिर्फ आईसीएस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कहेंगे उन क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, जो भी लेवल होता है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहें तो आप बाहर से कर सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन आईसीएस स्टडी मटेरियल के ऐसे समझूंगा कि आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसको कम्प्लीट कर पाएंगे। वैसे इस स्टेज पे भी अगर आपको क्वेश्चन करने के लिए हम देते हैं, इस स्टेज पे मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। अगर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा कि वो अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करवा के दिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ पे होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका मतलब वो आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है एंड सो ऑन। ऐसे ही क्वेश्चन की नंबरिंग आईसीआई के स्टडी मटेरियल से मैच होती है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नोट करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल अपने सामने ओपन कर सकते हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल में सबसे पहले आप निकाल लें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, फटाफट से नोट कर देता हूँ यहाँ पे। नोट करने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन दे रखे 2 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, 2 डेप्रिसिएशन दे रखे, 1 2 लाख, 1 5 लाख। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में करा था, डेप्रिसिएशन टैक्स के अंदर ज्यादा है और अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन कम है। क्वेश्चन के नीचे लिखा है देयर इज एडिक्वेट फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी के बारे में इसने क्वेश्चन के अंदर खुद लिख के दिया है। अगर इनकेस ये क्वेश्चन के अंदर नहीं लिख के देता तो आपको यही अज्यूम करना है कि फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी अवेलेबल रहेगी, और आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको अजम्पशन लिख के आनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हो, आप लिख के आएंगे कि हमने अज्यूम करा है कि वर्चुअल के फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होने की वर्चुअल सर्टेनिटी है, और वो वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस है। अगर आप अजम्पशन लिख रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अजम्पशन के अंदर कीवर्ड यूज कर देना, और अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ही। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो इसने खुद ही लिख के दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। क्वेश्चन के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही निकालने को बोला है, जो भी आपका रिकॉग्नाइज हो वो टैक्स रेट बोला है उसने 50%, यानी कि हाफ पोर्शन क्वेश्चन है। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाने के बाद बन गई है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक डेप्रिसिएशन के लिए, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग एंड टैक्स रिकॉर्ड। जिस ऑर्डर में एग्जांपल करना था वैसे ही करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस को हम लॉजिकली क्या कहते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। सबसे पहले टाइमिंग डिफरेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइमिंग डिफरेंस 5 लाख माइनस में 2 लाख, टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद हम इसको बता देते हैं कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। आपको डेप्रिसिएशन लिखा हुआ देखकर डिसाइड नहीं करना कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए हैं उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अगर यही डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के अंदर 5 लाख होती और टैक्स के अंदर 2 लाख होती, यानी कि अकाउंट्स के अंदर ज्यादा होती और टैक्स के अंदर कम होती, तो उस स्टेज पर अगर आप डेप्रिसिएशन देखकर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा ये आपको पता लगाना है खुद। ये मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोविजन अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसको साइड में लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 5 लाख और डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड 2 लाख, और आप पता लगाएंगे कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या डेफर्ड टैक्स एसेट है। मैं कह रहा हूँ कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, अब आपको पता लगाना है क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं।
टेबल के अंदर लिख देते हैं कि ये डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे लिख दिया मैंने डेफर टैक्स लाइबिलिटी और अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितना होता है, टैक्स रेट लगाना पड़ता है, अमाउंट सीधा 3 लाख नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, उसके ऊपर टैक्स रेट लगाना जरूरी है। तो 3 लाख के ऊपर 50%, 1 लाख एंड 50,000 टैक्स डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइमिंग डिफरेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कितना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसा हमने एग्जांपल करा था सेम टू सेम वैसे ही है, क्योंकि सिर्फ टैक्स के अंदर अमोर्टाइज ना बचा है, क्योंकि अकाउंट के अंदर तो पहले ही हो गए होंगे, क्यों हो गए होंगे मैंने आपको तभी बता दिया था, अब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। टाइमिंग डिफरेंस लिख देता हूँ 30,000, यहाँ पे लिख दिया मैंने अभी डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी, तो डेफर टैक्स एसेट है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट हमको आने वाले टाइम में मिलेगा, लेकिन एक्सपेंस आज ही हो चुके हैं, इसलिए डेफर टैक्स एसेट है, टैक्स बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफर टैक्स एसेट और इसका अमाउंट 30,000 के ऊपर 50%, 15,000 रुपए इसका अमाउंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप टोटल डेफर टैक्स लिख देंगे। जब मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल तरीका क्या है और देसी फॉर्मेट क्या है, देसी फॉर्मेट मतलब उसका नाम नहीं है देसी फॉर्मेट, देसी मतलब जो हमने सिर्फ समझने के लिए ऐसे ही बना दिया था, जो प्रोफेशनल फॉर्मेट मैंने आपको बनाकर दिखाया था उसके अंदर लिखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद टैक्स एक्सपेंस के अंदर सिर्फ दो पार्ट थे, एक करंट टैक्स और डेफर टैक्स। वो जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग मैंने आपको प्रोफेशनल तरीका बताया था, वो प्रोफेशनल फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया हुआ है, वहां पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो वहां पे सिर्फ टैक्स एक्सपेंस के बाद ए करंट टैक्स और बी डेफर टैक्स, डेफर टैक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है कि वो डेफर टैक्स एसेट है या डेफर टैक्स लायबिलिटी है, वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो आपको जो है डेफर टैक्स एक्सपेंस, टोटल जो डेफर टैक्स एक्सपेंस है जो आप प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, वो आपको खुद निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब कहेंगे सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि क्यों लिख के दिखाना है, तो क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने खुद से लिख के नहीं दिया कि आपको ये निकालना है या नहीं निकालना, अगर आप नहीं निकालेंगे तो नंबर ऑफकोर्स कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि ये बनने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको सिर्फ जो लिखा है वही देखना है, जब आप ऑडिट करेंगे जो आपको लिखा है वो भी देखना है और जो आपको उसके पीछे है वो भी देखना है। उसकी प्रैक्टिस सिर्फ आप ऑडिट में नहीं, उसकी प्रैक्टिस आपको हर सब्जेक्ट में करवाई जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर करवाई जा रही है, उसने सिर्फ ये बता बोल के भेजा है कि डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, लेकिन इसके पीछे जो आपको देखना है वो ये है कि आपको डेफर टैक्स एक्सपेंस जो प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है वो भी आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे। ये आप बात आप दिमाग में डाल दीजिए कि आपको ये सिर्फ यही नहीं, आगे बहुत जगह देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन देख कहते होंगे इसने तो सिर्फ यही निकालने को बोला है, लेकिन सजेस्टेड आंसर देखता हूँ तो कुछ और भी लिखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्यों। तो यहाँ पे हम डेफर टैक्स, सिर्फ डेफर टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए देखो कितनी बड़ी लेक्चर मैंने आपको दे दिया है। अब डेफर टैक्स एक्सपेंस तो निकालने पड़ते ही है, कैसे निकालेंगे, जो डेफर टैक्स लायबिलिटी है वो अब यहाँ पे प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। डेफर टैक्स लायबिलिटी की जनरल एंट्री आप फटाफट से दिमाग में जनरल एंट्री घुमाएंगे, जैसे 3-4 बार अगर आप करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि डेफर टैक्स लायबिलिटी ऐड होती है और डेफर टैक्स एसेट माइनस होता है टैक्स एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम डेफर टैक्स एक्सपेंस लेकर हूँ, यानी कि टोटल लायबिलिटी और एसेट, डेफर टैक्स लायबिलिटी 1,50,000 क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और माइनस में 15,000 क्योंकि ये नेगेटिव होता है, तो टोटल आ जाएगा 1,35,000 डेफर टैक्स एक्सपेंस। क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड द ईयर एंडेड, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आईसीआई के बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कैलकुलेट द डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी। ए लिमिटेड एक फॉर्म है, उसके डिटेल्स दे रखे हैं, उसमें प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट दे रखा है, बुक प्रॉफिट एज पर मैट का प्रोविजन आ चुका है इसके अंदर। आपको मैट नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट का प्रॉफिट, तीनों प्रॉफिट निकाल के दे रखे हैं, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टैक्स रेट 20%, मैट रेट 7.5%, टैक्स रेट 20% दिया है, मैट रेट 7.5% दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर वर्चुअल सर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको किस क्वेश्चन में अजम्पशन लिखनी है, नहीं लिखनी। अजम्पशन लिखना क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, अजम्पशन सिर्फ ना लिखने की वजह से आपकी एग्जेम्पशन छूट सकती है पेपर के अंदर। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
मैट का जो प्रोविजन होता है, पहले मैं आपको मैट का प्रोविजन बता दूं, मैट का मतलब होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो वो प्रोविजन लाने का मकसद गवर्नमेंट का ये था कि जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो मिनिमम टैक्स पे करें। अब फर्म का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो जब मैट का प्रोविजन आया तो उसके अंदर इनकम कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका ही था। टैक्स के अंदर इनकम कैलकुलेट करने का और अकाउंट्स के अंदर इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है, मैंने आपको शुरू में बताया था। और मैट आ गया तो, और जब मैट आ गया तो टैक्स के अंदर इनकम कैलकुलेट करने के दो तरीके हो गए। एक तो नॉर्मल तरीका जो हम अभी तक करते देखते हुए आ रहे हैं, टैक्सेबल इनकम। इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है टैक्सेबल इनकम दे रखी है, यानी कि प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स दे रखा है 60,000। ये तो नॉर्मल प्रोविजन से निकाली है, और मैट की इनकम अलग से निकाली जाती है, उसके प्रोविजन अलग है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैट जब आया तो उसके अंदर इनकम कैलकुलेट करने का अपना ही तरीका आया। तो टैक्सेबल इनकम जो आप नॉर्मल प्रोविजन से निकालेंगे और जो मैट से निकालेंगे वो मैच नहीं करेगी। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब मिनिमम टैक्स आपको पे करना है। इसका मतलब क्या, टैक्सेबल इनकम जो आपकी नॉर्मल प्रोविजन पर निकली है उसके ऊपर आप टैक्स निकाल लेना, और फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के ऊपर टैक्स निकाल लेना, दोनों से जो ज्यादा हो वो पे कर देना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऐसे, टैक्स एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 6 लाख है, उसके ऊपर मैं 20% टैक्स निकाल लेता हूँ, 1,20,000 ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ। इनकम टैक्स का टैक्स 60,000 के ऊपर 20% 12,000, और मैट का 3.5 लाख के ऊपर 7.5% 26,250। कैलकुलेटर लेके बैठना, मैं आराम से बताऊंगा। नेक्स्ट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो पे करना पड़ेगा, यानी कि 26,250 यहाँ पे करने पड़ेंगे। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको एक मैजिक दिखाया था, वो मैजिक मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। ये मैजिक आपको दिख जाएगा, आपको याद भी आ जाएगा क्योंकि उसको पढ़े हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैजिक ये था, तो एस निकालता है कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टोटल करो, यानी कि टोटल टैक्स एक्सपेंस, उस टोटल टैक्स एक्सपेंस का टोटल जब आप करोगे तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर अगर आप टैक्स रेट लगाओगे तो वो उससे मैच करेगा। यानी कि सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख है और उसके ऊपर आप करंट टैक्स रेट, उसके ऊपर आप टैक्स रेट लगाते हो 30%, 30,000, तो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टोटल उससे मैच करेगा। ये मैजिक आपको याद आ गया होगा अच्छी तरीके से, मैंने आपको याद भी दिला दिया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है टैक्स एज पर अकाउंटिंग इनकम 1,20,000, यानी कि जो 1,20,000 है अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगाया, तो इसका मतलब क्या है, यही है टोटल टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं टैक्स एक्सपेंस की बात करूँ तो टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। टैक्स एक्सपेंस तो मेरे पास है और करंट टैक्स भी मेरे पास है, 26,250 पे करना है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने बोला है 26,250 पे करना है। तो टैक्स एक्सपेंस की अगर और करंट टैक्स की अगर मैं वैल्यू डालू तो डेफर्ड टैक्स का मेरे पास वह अमाउंट आ जाएगा, और क्वेश्चन के अंदर शायद डेफर्ड टैक्स निकालने को भी उसने बोला है, शायद नहीं ये बोला है। चलते हैं आगे, टैक्स एक्सपेंस की वैल्यू डालते हैं 1,20,000 और करंट टैक्स 26,250 लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा 12,000। 12,000 क्यों लिखूंगा, पहले मैं 12,000 लिखूंगा उसके बाद बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एएस ने कहा है, एक्सप्लेनेशन दी है एएस के अंदर। एक्सप्लेनेशन के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 115JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 115JB का मतलब मैट का प्रोविजन है, इसी सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बारे में कहता है द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115JB ऑफ द एक्ट। तो लिखता है द टैक्स पेमेंट, द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115JB ऑफ द एक्ट करंट टैक्स फॉर द पीरियड इन विच कंपनी पेज द टैक्स अंडर सेक्शन 115JB ऑफ द एक्ट द डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इफेक्ट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अंडर AS 22। पहले तो बोलता है कि अगर आपने मैट के हिसाब से रिकॉर्ड इनकम रिकॉर्ड करी है, यानी कि मैट आपका अप्लाई हो गया है इस ईयर, तो उस ईयर का जो टाइमिंग डिफरेंस होगा उसको आप मेजर करोगे यूजिंग द रेगुलर टैक्स रेट। रेगुलर टैक्स रेट पर मेजर करोगे, और साथ ही में लिखा हुआ है एंड नॉट द टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115JB ऑफ द एक्ट, यानी कि मैट का टैक्स रेट नहीं लगाना। इसके आगे भी कुछ कहता है, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको नहीं समझाने वाला क्योंकि एक ही बात को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ लेना खुद ही।
क्वेश्चन के ऊपर मेरा मेन फोकस है, तो मैंने यहाँ पे 120,000 क्यों लिखा, ये आपको समझ में आ गया है। अब मैं डेफर टैक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो डेफर टैक्स आ जाएगा मेरे पास 120,000 माइनस में 12,000, तो ये आ जाएगा 108,000। क्वेश्चन के अंदर निकालने को बोला है डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज पर अकाउंटिंग रूल, तो डेफर टैक्स एसेट बोल रहा है और डेफर टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है, यानी कि बताना पड़ेगा कि ये डेफर टैक्स एसेट है डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। आपने टोटल निकाला है डेफर टैक्स, तो लाइबिलिटी होगी या एसेट होगा, इसको पहचानने का तरीका है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, जर्नल एंट्री थी डेफर टैक्स एसेट की, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एसेट, यानी कि डेफर टैक्स एसेट का नेगेटिव बैलेंस हुआ टैक्स एक्सपेंस के अंदर। आपको नहीं पता तो ये आपको बता दूं कि आपको मैंने इक्वेशन ही स्टार्टिंग में लिखवाई थी, टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स, यानी कि टैक्स एक्सपेंस जो हेड है उसके नीचे ही की ये कैलकुलेशन है। यहाँ पे अगर डेफर टैक्स एसेट होगा तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि डेफर टैक्स लाइबिलिटी की एंट्री होती है टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि अगर लाइबिलिटी होगी तो पॉजिटिव बैलेंस होगा और एसेट होगा तो नेगेटिव बैलेंस होगा। यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आया है, इसका मतलब तो ये है कि ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट चेंज करके आपको नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, तो अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि जब हमने बुक में करा था तो वहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस था, अब हमने यहाँ पे करा है तो नेगेटिव आया है, क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। वो गलत नहीं हुआ, वो डेफर टैक्स एसेट है। उसके बाद कहता है टैक्स अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट डेबिट होगा, यानी कि करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स लाइबिलिटी, और क्योंकि मैट अप्लाई हुआ है तो करंट टैक्स के ऊपर जो मैट का एक्सेस टैक्स है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स, करंट टैक्स की वैल्यू है 12,000, ये मैंने 12,000 इसलिए लिखा है क्योंकि एएस ने कहा है कि रेगुलर टैक्स रेट है, तो उसका सामान रखने के लिए मेरे को 12,000 लिखना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है मैट के प्रोविजन के हिसाब से उसको मेरे को अलग से शो करना पड़ेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, 12,00,000 करंट टैक्स डेफर टैक्स लाइबिलिटी 1,08,000 और एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स 26,250 में से 12,000 माइनस, तो 1,34,250, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टैक्स हॉलीडे, ये टैक्स हॉलीडे जब आपका हो जाएगा तो समझ लेना 99% ऑफ एस कंप्लीट हो गया सर, बाकी का 100% काम गया, बाकी 1% क्वेश्चन रहेंगे जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। मतलब इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो टैक्स हॉलीडे की बात करते हैं, टैक्स हॉलीडे का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। टैक्स हॉलीडे कुछ इस तरीके से होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ईयर 1 10,00,000 का प्रॉफिट, ईयर 2 10,00,000 का प्रॉफिट, टैक्स फिर से नील, और ईयर 3 10,00,000 का प्रॉफिट और इसके ऊपर टैक्स रेट जगह के 3,00,000 का टैक्स, यानी कि 30% टैक्स लगा दिया मैंने 3,00,000, इसका टोटल कर लेते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर 1 के अंदर आ रहा है 10,00,000, ईयर 2 के अंदर भी आ रहा है 10,00,000 एंड ईयर 3 के अंदर आ रहा है 7,00,000। ये देखिए इनकम 10,00,000 होते होते इनकम से नीचे गई 3,00,000 से 7,00,000 हो गई। फिर ये वही वाला केस मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब ये बैलेंस शीट पब्लिश होगी तो इसका क्या हालत होगा, इसके शेयर की। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है आपको करंट टैक्स अगर माफ हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। गवर्नमेंट की स्कीम है टैक्स हॉलीडे, उसके अंदर फर्म्स के वो कंपनी को टैक्स या तो माफ हो जाता है या कम हो जाता है। टैक्स हॉलीडे बाय डेफिनेशन अगर आप देखें, टैक्स हॉलीडे इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम दैट ऑफर टैक्स रिडक्शन और एलिमिनेशन टू द बिजनेसेस। साफ सफेद का फायदा टू द बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के लिए, यानी कि हमको इंडिविजुअल्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है टैक्स हॉलीडे का, बिजनेस को मिलता है। इसके बारे में एएस ने क्या टिप्पणी की है मैं आपको दिखा देता हूँ। एएस ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, कहता है एक होता है ओरिजिनेट इन टैक्स हॉलीडे और रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे। ये वाला कब होगा, ओरिजिनेट ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे एंड रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे, जब रिडक्शन का केस होगा यानी कि टैक्स में रिडक्शन मिलेगी। दूसरे बोलता है ओरिजिनेट ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे एंड रिवर्स ड्यूरिंग एंड रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे के अंदर ओरिजिनेट हुआ और आफ्टर टैक्स हॉलीडे रिवर्स हुआ, तो उसके लिए वो केस कब होगा जब आपका एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट होगा। तो इन दोनों के ऊपर एएस ने क्या कहा, एएस ने कहा कि
जितना भी आपको इनकम में से डिडक्शन मिला है, जैसे 10 लाख की इनकम है और टैक्स हॉलीडे का पीरियड है, अगर आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपको 10 लाख ऊपर निकालो, 3 लाख का टैक्स, 1.5 लाख माफ, ऐसे नहीं होता। इनकम के ऊपर एक परसेंटेज होती है जो अलाउ हो जाती है, इनकम के ऊपर एक परसेंटेज हो जाती है जो हमारे इनकम में से कम कर लेते हैं। सपोज उसने लिखा कि आपको 80% टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट मिलेगा, 80% टैक्स हॉलीडे मतलब इनकम जितने भी आए उसके 80% के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 20% के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज 10 लाख की इनकम है तो 8 लाख के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये उसने कहा ये जो 8 लाख का आपको इनकम में से रिडक्शन अलाउ हुई है उसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो बोलता है डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस व्हिच ओरिजिनेट ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड एंड रिवर्स आफ्टर द टैक्स हॉलिडे पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट डिडक्शन फ्रॉम द इनकम ऑफ एन एंटरप्राइज इज अलाउड ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड। सेम टू सेम बात हुई है कि जो मैंने आपको बताया कि जितना भी इनकम में से रिडक्शन मिला है उसके ऊपर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है डेफर्ड टैक्स। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस व्हिच ओरिजिनेट ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड एंड रिवर्स आफ्टर द टैक्स हॉलिडे पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इन व्हिच टाइमिंग डिफरेंस दैट इन व्हिच द टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट। ये डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में भी कुछ लिखा है। डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में क्या लिखा है? डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में कहते हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट के ऊपर प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट इग्नोर नहीं होना चाहिए। साफ तब लिख के दिया है, अगर नहीं लिख के दिया तो भी हम इग्नोर नहीं करते क्योंकि उसने पहले ही इसके अंदर इतनी भूमिका बना दी है इसको प्रूडेंस को लेकर कि हम यहाँ पे भी इग्नोर नहीं करते। फिर भी एस ने साफ साफ लिख के दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों ही केस में जो पहले ओरिजिनेट होगा वही पहले रिवर्स होगा, ये एस के अंदर साफ साफ लिखा है। अपना कॉमन सेंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करें और इसके ऊपर आपकी बुक जो आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक के अंदर सेक्शन 80IA और IA एंड IB दोनों के अंदर ही जो ऊपर कॉन्टेंट है वही इसने नीचे पेस्ट करा है, कॉपी पेस्ट करा है, बस दोनों में फर्क इतना है यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है और जो नीचे है उसके अंदर है टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन 80IA और 80IB के अंदर कवर हो रहा है। 80IA एंड 80IB जो है वो सेक्शन 80C टू 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर होता है। 80C टू 80U चैप्टर का ही नाम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि इसके अंदर जो भी आपको डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगी। दोनों ही केस में चाहे 80C टू 80U में कवर हो चाहे 10A एंड 10B में कवर हो, इनकम में से आपको कुछ रिडक्शन मिलेगी टैक्स हॉलिडे के अंदर और उस रिडक्शन के ऊपर आपको डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करना है। दोनों का कॉन्सेप्ट यही है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? XYZ इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड वाज एंजॉयिंग द टैक्स हॉलिडे अप टू। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 31 मार्च 2016 तक टैक्स हॉलिडे के अंदर था और टैक्स हॉलिडे के अंदर था और क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है कि एलिमिनेशन था या रिडक्शन था, तो हम मान के चलेंगे पूरे ही इनकम 100% माफ थी। आगे कहता है नो प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाज मेड इन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 तक इसने डेफर्ड टैक्स का कुछ भी रिकॉग्नाइज अपने रूप में नहीं करता। क्यों नहीं करता? टैक्स हॉलिडे में था, वहां पे जो हुआ वो हुआ, इसने रिकॉर्ड नहीं करा। आगे कहता है वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट ऑफ 31 मार्च 2017 यानी कि टैक्स हॉलिडे खत्म हो गया, अब जब पीएनएल फाइनलाइज करने की बारी आई तो अकाउंटेंट ने कहा कि एंटायर डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी अप टू 31 मार्च 2016 एंड द करंट ईयर डेफर्ड टैक्स विल बी राउटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज ऑलरेडी बिकम मैंडेटरी फ्रॉम द 1st of April 2001। कहता है कि 1 अप्रैल 2001 को ही अकाउंटेंट कह रहा है 1 अप्रैल 2001 को ही एएस अप्लाई हो गया था, इस वजह से 31 मार्च 2016 तक जो भी 31 मार्च 2016 तक जो भी आपने डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करा है उसको आज ही रिकॉग्नाइज करेंगे
और जो करंट ईयर है उसको भी आज ही रिकॉग्नाइज करेंगे 31 मार्च 2017 के पीएम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अगर मैं आपको इसी स्टेज पर क्वेश्चन करने के लिए बोल दूँ कि आप क्वेश्चन करके देखो, तो आपका ओपिनियन यही होगा कि अकाउंटेंट गलत कर रहा है, या फिर आपका ओपिनियन कुछ नहीं होगा, या फिर आप कंफ्यूजन में बैठे होगे। क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि टैक्स हॉलीडे का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा मोड बदला कि अभी टैक्स हॉलीडे क्वेश्चन नहीं लग रहा है। इसने बोला है कि ये जो ई डेट दे रखी है 31 मार्च 2017, यही फर्स्ट डेट है जिस पर ये अकाउंटिंग फॉर टैक्स कर रहे हैं, और इसी डेट के प्रोविजंस को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजिशनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करा गया। ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा है पहले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ट्रांजिशन प्रोविजन के बारे में लिखता है, ऑन द फर्स्ट ओकेशन दैट टैक्सेस ऑन इनकम आर अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डिंग विद द स्टेटमेंट, द एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस दैट हैज एक्युमुलेटेड प्रायर टू द अडॉप्शन ऑफ द स्टेटमेंट एज डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विद अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑब्लिक चार्ज ऑन द रेवेन्यू रिजर्व सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, द अमाउंट So credited or charged to the revenue reserve should be same as in which would have resulted if this statement had been in effect from the beginning. जिस डेट के ऊपर आप अपनी इनकम इस AS के अनुसार रिकॉर्ड कर रहे हो, उस डेट के ऊपर आपको जो भी deferred tax asset है वो और जो deferred tax liability है, जरूरी नहीं कि profit and loss account से ही चार्ज करो, आप उसको रिजर्व से भी, रेवेन्यू रिजर्व से भी चार्ज कर सकते हो। प्रूडेंस को तो ये कभी छोड़ते ही नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रूडेंस को कॉन्सेप्ट डाल दिया है, कहता है कि प्रूडेंस को इग्नोर नहीं करना डेफर टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करते में। और जो सबसे नीचे जो लाइन लिखे उसके बारे में कहता है, द अमाउंट सो क्रेडिटेड और चार्ज टू द रेवेन्यू रिजर्व शुड बी सेम एज इट वुड हैव रिजल्टेड इफ द स्टेटमेंट हैज बीन अफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कहता है जो भी अमाउंट आप उसके अंदर रिकॉग्नाइज करोगे वो अमाउंट वो होना चाहिए, अगर आप बिगिनिंग से रिकॉर्ड करते हो तो जो अमाउंट होता है वही अमाउंट वो होना चाहिए, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट, पिछले टाइम से अफेक्ट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है, AS तो अप्लाई हो गया था लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, तो आप जिस पहले दिन रिकॉर्ड करोगे ना उस दिन पकड़े जाओगे, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोविजन AS के अंदर है। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, जिसने AS ड्राफ्ट करा उसने इस बात को पहले सोच लिया हो कि AS अप्लाई होगा, कुछ लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनको इसमें फंसा दिया कि आप अप्लाई मत करो, कोई बात नहीं, जिस भी दिन अप्लाई करोगे शुरू से अप्लाई करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब आपका ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो अकाउंटेंट कह रहा है वो तो सही कह रहा है, और जो इसकी तो अकाउंटेंट के साथ तो हम एग्री करेंगे, यस वी एग्री, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन ICAI स्टडी मटेरियल के अंदर या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम में करवाया था उससे ज्यादा मुश्किल नहीं मिलेगा, बस उसको फॉर्मेटिंग में लिखना, उसके अजम्पशन लिखना, उसके अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको 3 साल के एग्जाम्पल दिए थे, 3 साल से ज्यादा का नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है, और अगर आ गया तो भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है PQR लिमिटेड इज एन अकाउंट, PQR लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2000 द कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को इसने 2 लाख का लॉस किया है, उसके बाद 31 मार्च 2016 एंड 2017 में इसने 1 लाख और 1,20,000 का प्रॉफिट करा है। उसके बाद इट इज अज्यूम्ड दैट द लॉस ऑफ ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 8 ईयर्स। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझाऊंगा फिर करवाऊंगा। इट इज अज्यूम दैट द लॉस ऑफ ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 8 ईयर्स। कहता है कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड का लॉस 8 साल तक के जो भी लॉस है उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, अगर आपको लॉस हो गया तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो इसने कहा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 8 ईयर्स तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ठीक है अज्यूम कर लिया तो हम भी यही करेंगे। टैक्स रेट बोलता है 40% बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2015, द कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर। देखो 31 मार्च 2015 पर कंपनी फील कर रही है कि सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर ईयर्स विल विच कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। कहता है कि 31 मार्च 2015 को इनको फील आ रही है कि इनको कंपनी को, अगर ये कहता डायरेक्टर को
तो बात अलग होती है, ये कहता है कंपनी को, लेकिन कंपनी को फेल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये आपको बताना चाहता है इनडायरेक्टली के फ्यूचर सफिशिएंट इनकम, यानी कि वो जो वर्ल्ड टू सर्टिनिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, वो कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता है। कहता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फुलफिल है, आपको उसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये इसका फील हो रहा है 31 मार्च 2015, यानी कि जिस ईयर लॉस करा, उसी ईयर फील हो गया कि आप इस लॉस को जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसके लिए इनकम अवेलेबल होगी, तो होगी तो अब हम कर देंगे जो भी होगा इसका। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट दैट कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउड इन द ईयर्स इन व्हिच इन द ईयर्स एंडिंग 2016 एंड 2017 फॉर द टैक्स पर्पस। कहता है इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि सिर्फ अकेले यही डिफरेंस है। ये तो मैं आपको शुरू से करवाता आ रहा हूँ, सिर्फ एक ही डिफरेंस पर है। जब डेफिनेशन करवाया था तब भी एक ही डिफरेंस था, बाकी सब सेम था। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन के अंदर कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2015, 16, 17, तीनों ईयर्स की प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, यानी कि तीन साल में आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको डेफर्ड टैक्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, मतलब एक्सट्रैक्ट बनाना है। ब्रैकेट में लिख देना एक्सट्रैक्ट, कभी नंबर ना कटे, क्योंकि आप सिर्फ एक पार्ट बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये वही प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर जो मैंने आपको बताया था उसी से लिखना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2015, 16 एंड 17 नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोफेशनल फॉर्मेट से करना है, ध्यान रखना। ए लिखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 मार्च में 2 लाख का लॉस है, तो यहाँ पे और आगे है 1 लाख एंड 1 लाख 20,000 का प्रॉफिट, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 2 लाख का लॉस एंड 1 लाख एंड 1 लाख 20,000। नेक्स्ट कहता है 8 ईयर्स के लिए टैक्स रेट कहता है 40%, और साथ साथ कह रहा है कि 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बी के अंदर आप लिखेंगे टैक्सेस में फर्स्ट करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अब कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आपको करंट टैक्स निकालना पड़ेगा और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लॉस का ध्यान रखना है। तो करते हैं कैसे, करंट टैक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट वन। आप कहेंगे सर वर्किंग नोट वन क्यों बनाना पड़ेगा, आप सीधा निकालो 2 लाख 1 लाख और 1 लाख 20,000 के ऊपर सीधा टैक्स रेट लगाओ 40%। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग नोट क्यों बनाना पड़ेगा, आप करेंगे इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्किंग नोट वन के अंदर लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, सबसे पहले ईयर वन लिखता हूँ 31 मार्च 2015 के अंदर नील हो जाएगा, 31 मार्च 2015 के अंदर लिखते हूँ क्योंकि लॉस है, लॉस के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 31 मार्च 2016 पर 1 लाख की इनकम थी और उसने कहा क्वेश्चन के अंदर कि 8 ईयर्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है जब इस साल की जो लॉस है उसको जब अगले साल लेके जाएंगे तो अगले साल की इनकम में से माइनस हो जाएगा, तो 1 लाख की इनकम, और क्योंकि 2 लाख का लॉस है तो 1 लाख यहाँ से पूरा सेटअप हो जाएगा। और इस ईयर भी 40% के साथ जीरो के ऊपर नील टैक्स। 31 मार्च 2017 की बात करें तो 1,20,000 की इनकम है, 1 लाख इसके अंदर से सेटअप करेंगे और 40% टैक्स रेट लगाएंगे तो इसके ऊपर 8,000 का टैक्स आ जाएगा। तो आपको पता ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, टैक्स में आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपने टैक्स नहीं पढ़ा होगा तो भी मैंने आपको पूरी कोशिश करी है समझाने की, बहुत ईजी है। पिछले साल का लॉस है, इस साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इस साल की इनकम में से माइनस, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 1 लाख की इनकम थी तो इसलिए 1 लाख सेट ऑफ हो पाया, क्योंकि 8 साल तक का टाइम है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो बाकी बचा हुआ 1 लाख अगले साल के लिए ले जाएंगे और वहां से कैरी फॉरवर्ड उसको कर लेंगे, सेट ऑफ उसको कर लेंगे। अब टैक्स यहाँ पे आ चुका है तो जल्दी से ऊपर जाते हैं, मैं यहाँ पर टैक्स लिखता हूँ नील, नेक्स्ट भी नील एंड नेक्स्ट ईयर के अंदर 8,000। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन नहीं लगाना है क्योंकि हम कर रहे हैं प्रोफेशनल फॉर्मेट से। नेक्स्ट आते हैं डेफर्ड टैक्स के बाद, अकाउंट्स और टैक्स के अंदर इकलौता डिफरेंस है, उस इकलौता डिफरेंस का नाम है 2 लाख का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो अगर आप इसकी टैक्स में बात करें तो इसके ऊपर आज तो आपने कोई टैक्स नहीं दिया, नो टैक्स, और अगर जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरी फॉरवर्ड लॉस अनअब्जॉर्ब लॉस भी हम इसको बोलते हैं, और इसी के साथ साथ सेम टू सेम प्रोविजन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको होमवर्क में देने का यही मेरा मकसद है कि जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वो आप उस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करें मेरी एब्सेंस में। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इस 2 लाख को कैरी फॉरवर्ड करेंगे
तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने से क्या होगा, जो आपकी इनकम होगी फ्यूचर के अंदर वो इनकम डाउन हो जाएगी, और जो ये इनकम डाउन हुई तो आपका टैक्स भी डाउन हो जाएगा। यानी कि अब आपका लॉस आज हो रहा है उसका फ्यूचर बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 लाख जो है वो आपको फ्यूचर में देने वाला है बेनिफिट, और इस बेनिफिट का जो नाम है वो है टैक्स बेनिफिट। यानी कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, आप ही बताओ। आपके मन में अभी तक जवाब आ गया होगा कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट। इसके ऊपर टैक्स निकाल लेता हूँ 40% के हिसाब से 80,000, और क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है तो अभी तक आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट की एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट 80,000 टू टैक्स एक्सपेंस 80,000। यानी कि टैक्स एक्सपेंस के अंदर डेफर्ड टैक्स का रहेगा नेगेटिव बैलेंस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टैक्स एक्सपेंस। यहाँ पे जाके मैं डेफर्ड टैक्स के लिए लिख देता हूँ, जो मैंने आपको नीचे दिखाया वो थे आपको समझाने के लिए, वो आप पेपर में नहीं बना के आएंगे। यहीं पे मैं डिटेल लिख देता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। टाइमिंग डिफरेंस 2 लाख, टाइमिंग डिफरेंस 2 लाख के ऊपर 40% का टैक्स 80,000, और रिवर्सल यहाँ पे लिखा मैंने 80,000 नेगेटिव, इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए माइनस में पी, सबसे पहले ईयर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है तो इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर है, आपके पास भी कैलकुलेटर होता है, मैं आपको कैलकुलेटर पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि ये 1,20,000 में आपको आगे आने वाले टाइम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे ही करना। तो अब चलते हैं आगे, इसका रिवर्सल 80,000 यहाँ पे नेगेटिव था, अब आने वाले इयर्स में इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और रिवर्स करेंगे कैसे, अच्छा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि रिवर्सल का जो एएस ने कॉन्सेप्ट बताया वो 4 से डिवाइड करके या 3 से डिवाइड करके या किसी भी नंबर से डिवाइड करके वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है कि आपको हर ईयर आपको डेफर्ड टैक्स को रीअसेस करना है, दोबारा से उसको रिव्यू करना है। जब आप 31 मार्च 2016 में जाएंगे और जब आप इसका रीअसेसमेंट करेंगे, जब आप इसको रिव्यू करेंगे, तो आपको पता चलेगा जो 1 लाख का अनअब्सॉर्ब्ड लॉस था वो आपने राइट ऑफ कर दिया है। यानी कि फ्यूचर में सिर्फ 1 लाख का जो लॉस है वही राइट ऑफ होगा, यानी कि डेफर्ड टैक्स 1 लाख का राइट ऑफ, और जो आगे 1 लाख बचेगा वो आगे चलता रहेगा। तो 1 लाख के ऊपर 40% यानी कि 40,000 आप रिवर्स कर देंगे, तो 40,000 प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल नेगेटिव हुआ था जब रिकॉर्ड करा था, अब रिवर्सल के लिए प्लस। अब जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे 31 मार्च 2017 में, तब आपको पता चलेगा इस ईयर मेरा 1 लाख और राइट ऑफ हो गया है अनअब्सॉर्ब लॉस, तो 40,000 यहाँ पे भी रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स होने के बाद आप इसका टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, 1 लाख माइनस में 40,000 60,000 एंड 1,20,000 माइनस में 48,000, तो ये आ जाएगा 72,000। तो तीनों ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म, और इसी के साथ हमारा एएस भी हो गया खत्म। अब इस एएस में आपको क्या करना है, एक इलस्ट्रेशन बची है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 वो कर लिया, और आईसीआई के बुक में पीछे एएस के टेस्ट और नॉलेज दी हुई होती है जो बहुत सारे बच्चे करना भूल जाते हैं, उस टेस्ट और नॉलेज में भी जाके ढूंढ लेना। AS22 का 1 क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना। आप इस AS22 की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ICAI के स्टडी मटेरियल में जो है वो सफिशियंट है, आप उन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेंगे, वो आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और एग्जाम्स के अंदर आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ AS होता है खत्म। अगर आपको CA इंटर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई से भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अगर आपको मुश्किल लगता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। CA इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी चैप्टर हो, बस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पार्टनरशिप के ऊपर, अगर आप वीडियो कमेंट बॉक्स में करके अगर आप वीडियो कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर करना है, तो हम पार्टनरशिप के बाद आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।